सत्तम धम्मम सर्वं पवज्जामि। ओम भीम अनादि मूल मंत्रो गर्वा सर्व शांति पुष्टि पुष्टि च परब्रह्म। ओम नमो रदेभुवसे पवते पक्षिनाशेष दोषे कलमशाय दिव्य तेजोमूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न विनाश विघ्न विघ्न नाशनाय सर्व रोगापूर्ति विनाशनाय सर्व क्रोध विनाशनाय सर्व क्षाम नाम विघ्न विनाशनाय ओम राम ह्रीम ह्रूं ह्रौं अस्यावसा नमः। सर्व शांति पुष्टि पुष्टि च परब्रह्म। ओम ओम क्षुम पट किरट किरट गाते गाते परविज्ञान स्फोटाय स्फोटाय सहस्र कंडान क्रोध क्रोध परमुद्रान छिंद परमंत्रान बिंद बिंद क्षय क्षय हूँ पट सर्व शांति परब्रह्म। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हरम अस्यावसा अनाथ विद्यायो नमो अरियंतानं ह्रौं विघ्न शांति परब्रह्म। ओम राम ह्रीं रा श्रीं ह्रीं जगत्तापनाशनाय श्री ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः। सर्व शांतिं कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय अशोक सत्प्रात्यरमणिताय अशोकप्रात्यर शोभन गुरुवाय इंद्रोभिजय सर्वप्रद शांतिकराय नमः। सर्व शांतिं कुरु। भगवान महावीर स्वामी ने हम सबके लिए जीवन जीने की कला सिखाई है। उन्होंने जीवन जीने के लिए सर्वप्रथम हमें सूत्र दिया कि हमें समता को अपने जीवन जीने का आधार बनाना चाहिए। हमें वर्तमान में जीना चाहिए, भूत और भविष्य में नहीं। जो कल में जीते हैं वे आज को बर्बाद कर देते हैं। जिसका आज बर्बाद हो जाता है वह है कल को अच्छा नहीं बना सकता है। आज हमारा अच्छा कैसे होगा, आज की हमारी अच्छी पहचान कैसे बनेगी, आज की हमारी ज़िंदगी कैसे अच्छी बनेगी, इस पर हमें चिंतन करना पड़ता है, इस पर हमें सोचना पड़ता है। हम सब आज मिलकर के विचार करें कि हमारे और आपके लिए सर्वप्रथम आज में जीना है। आज में जीने के लिए व्यक्ति को कल की सारी बातें भूलना पड़ती हैं। कल के में चिंता होती है, बैर होता है, विरोध होता है, प्रतिशोध की भावना होती है, ये सब कल के बीते हुए कल के लिए हैं। आगे आने वाले कल में हम जो है ना बहुत सारे सपनों को देखा करते हैं और हमारे सपने परिग्रहवादी होते हैं। हमारे सपने हमें आकर्षित करते हैं उस भूल की ओर, जिस भूल के कारण से हर व्यक्ति के लिए दुख मिलता है। मोह आज में कभी मोह नहीं होता है, मोह होता है हमेशा कल के लिए। आज में व्यक्ति अगर जीना शुरू कर दे, क्योंकि आज बहुत 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 सूक्ष्म होता है। हमारे आचार्यों ने हमारे लिए यही बताया कि तुम आज में जियो। अब हमारे सामने दूसरी बात ये आती है कि भगवान महावीर स्वामी ने हमें एक सूत्र दिया सामाजिक कला का, कि परिवार के साथ हम जिए, क्योंकि जिसके साथ परिवार खड़ा हो जाता है उसे विश्व की कोई शक्ति हरा नहीं सकती है, और जिसके साथ परिवार खड़ा नहीं होता है उसे कोई भी हरा सकता है। और व्यक्ति को कभी भी शत्रु की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कोई भी शत्रु और कोई भी मित्र नहीं होता है। हम जिनको देख रहे हैं वो सब अचेतन हैं, कोई भी चेतन नहीं है। और जब चेतन को हम देखते हैं तो ना कोई हमारा मित्र होता है ना कोई हमारा शत्रु होता है। भगवान महावीर स्वामी ने अहिंसा के सूत्र को दिया, लेकिन आज भगवान महावीर स्वामी की जयंती के अवसर पर तीन युद्ध ऐसे दिख रहे हैं, एक इज़राइल और ईरान का युद्ध, एक इज़राइल और हमास, एक हमारे सामने यूक्रेन और रूस, ये तीनों के तीनों विश्व युद्ध की भूमिका बना रहे हैं। लेकिन
विश्व शांति भगवान महावीर स्वामी का सूत्र था, अहिंसा परमो धर्म भगवान महावीर स्वामी का सूत्र था। आज विश्व के सारे विश्व के लिए हम सबको एक ही बात कहनी होगी, अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। जहां अहिंसा होती है वहीं सच्चा धर्म होता है।